हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मंथली चार्ट पर चलेंगे फिर से। हाँ, तो मंथली चार्ट पर स्टॉक को क्या देखना है, क्या देखना है, स्टॉक डाउन ट्रेंड। ठीक है, स्टॉक डाउन जा रहा था लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे रिकवर करने का स्टॉक ने प्रयास किया है। क्या समझे आप, यहाँ से स्टॉक ने जो यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया था उसको रीटेस्ट करके यहाँ पे सॉरी फिर से रिकवर करने का प्रयास किया और स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन स्लो है, धीरे धीरे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट तो बनता है, तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे बन जाता है लगभग 84 रुपए के आसपास। ठीक है, लेकिन इसको एडजस्ट करेंगे, वीकली चार्ट पर देखेंगे। जी हाँ, तो वीकली चार्ट पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, जो कि अब एक सपोर्ट बना है 77 रुपए पर। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस है 89 रुपीज पर, एक रेजिस्टेंस तो आपका ऑलरेडी तैयार है। उसके बाद मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूं जो कि एक रेजिस्टेंस का काम अच्छे से कर रही थी, अब ब्रेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहां से हमें थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये भी अपना काम कर सकती है। ठीक है, अगर हम शैडो छोड़ दें तो फिर ये यहां पे काम करेगी, यहां पे। जी हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है और स्टॉक अभी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पर अगर हम चलें तो डेली चार्ट पर आपको क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है 90 रुपीज के आसपास, ये वाला रेजिस्टेंस है लगभग 89.75। जी हाँ, 89.89 पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट सॉरी नहीं कहेंगे, 89 पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्टॉक बार बार घूम करके नीचे जा रहा है, इसको एडजस्ट किया तो अब 90 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको 93 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन 93 यदि ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप 103 का टारगेट लेंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉक में बड़े टारगेट की तरफ जाएं। जब तक 93 ब्रेक नहीं होता तब तक हम स्टॉक में एंट्री ना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आपका एनालिसिस जो है उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।